तो भाई लोग, तुम लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो कैसे तुम लोग कर सकते हो माइनक्राफ्ट के सर्वर को पूरी जिंदगी के लिए ऑनलाइन? तो यार, इसको करने के दो तरीके होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला तरीका है वो थोड़ा खतरनाक है, तो किसी और दिन बात करेंगे, और चलते हैं अपने सेकंड तरीके के साथ। तो भाई लोग, सबसे पहले तो तुम लोगों को अपना जो सर्वर है उसे ओपन कर लेना है, ठीक है? स्टार्ट वगैरह कर लो, जान नहीं करो। तो आपको सीधा चले जाना है अपने सर्वर के मेन मेन्यू की तरफ, और यहाँ पर तुम लोगों को लास्ट में असेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, और यहाँ पर शेयर असेस में एक बॉक्स बना आ रहा होगा ऐड का ऑप्शन। तो तुम लोगों को अपने एसएमपी का कोई से भी मेंबर का एथरनोज की आईडी का यूजर नेम, किसी भी मेंबर का यूजर नेम भर देना है, और तुम लोगों को यहाँ से स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, जो कि टिक मार देना है। बाकी तुम लोगों को कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम लोगों का वर्ल्ड रीसेट या फिर डिलीट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ से तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर लो। तो इस चीज़ से होगा क्या यार, इस चीज़ से होगा ये कि तुम्हारा जो भी मेंबर वगैरह, तुम्हारे जो भी फ्रेंड वगैरह हैं, वो भी एथरनोस के वर्ल्ड को स्टार्ट कर पाएंगे। अब तुम लोगों को ये नहीं है परेशानी की, है ना, जब उन लोगों का मन होगा तो वो तुम लोगों को फ़ोन करेंगे और कहेंगे भाई सर्वर को स्टार्ट कर, मेरा खेलने का मन है। तो इस चीज़ से तुम लोगों को अब बिल्कुल फ्री हो, और जितने भी तुम बंदों का ऐड करना चाहो यहाँ पे यूज़र नेम करके, तो तुम लोग स्टार्ट का असेस दे सकते हो। अब जो तुम्हारा मेंबर होगा उसे कैसा वाला इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आगे जाके, वो भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो मैं अपनी सेकंड आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। तो भाई लोग, लॉगिन करते ही तुम लोगों का ऐसा वाला कुछ देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये मेरी फर्स्ट आईडी का सर्वर है ना, ऐसे तुम लोगों को अपने फ्रेंड का सर्वर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि तुम्हारे फ्रेंड लोग हैं, तुम्हारा एसएमपी वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यार, इसी प्रोसेस के साथ तुम्हारा हर एक मेंबर एसएमपी को स्टार्ट कर सकता है, या फिर किसी भी सर्वर को स्टार्ट कर सकता है तुम्हारा फ्रेंड। और यार, इसी के साथ वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, तो अगर तुम लोगों के अभी भी माइंड में चल रहा है कि यार कैसे हम लोग कर सकते हैं 24 आवर एसएमपी को ऑनलाइन, तो यार नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा ना, उसमें मैं अपना पहला तरीका बताऊंगा, जो कि मैंने बताया था ना कि दो तरीके होते हैं। तो यार, पहला तरीका अगली वीडियो में आ रहा है। तो तब तक के लिए तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर सकते हो, और कमेंट करना चाहो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।